हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको नींबुओं को स्टोर करने के 5 तरीके बताने वाली हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग नींबू ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं, या हमारे घर पर किसी और वजह से घर पर ज़्यादा नींबू आ जाते हैं, गाँव से आ जाते हैं, तो हम नींबुओं को स्टोर कर सकते हैं एट ए टाइम। जब भी आपको ज़रूरत हो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको अनोखे 5 तरीके बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला तरीका है, इसके लिए आपको इस तरह से न्यूज़पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। आप न्यूज़पेपर की अगर टिश्यू पेपर भी ले सकती हैं, तो आप जितने नींबू को स्टोर करना चाहती हैं तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर में इसको रैप कर दीजिए, अच्छे से कवर कर दीजिए। तो इस तरह से मैं सभी नींबुओं को रैप कर लेती हूँ। आप टिश्यू पेपर में भी ये काम कर सकते हैं। तो इससे जो नींबू है सुरक्षित रहता है, ख़राब नहीं होता है, ना इसका छिलका ख़राब होता है, और आप आसानी से महीनों तक के लिए इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे नींबुओं को रैप कर लिया है। अब आपको क्या करना है, कोई भी एयर टाइट डिब्बा लेना है, और इस डिब्बे में हमने जितने भी नींबुओं को रैप करके रखा है उनको हम अच्छे से रख देंगे। आप चाहे तो कंटर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। इससे ये नींबू आपके बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, दागी नहीं पड़ेंगे, ख़राब नहीं होंगे, आप महीनों तक इसे सेव कर सकती हैं। अब जो हमारा दूसरा तरीका है, इसके लिए आपको हाथ में थोड़ा सा लेना है सरसों का तेल। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकती हैं या देसी घी भी ले सकती हैं। तो इसको आपको नींबुओं पर अच्छे से लगा देना है, यानी कि इसकी कोटिंग कर देनी है। तो ये थोड़े से ही तेल में सारे नींबू में कोटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए, अब आपको कोई सा भी एक कंटर लेना है, आपको एयर टाइट कोई भी डिब्बा लेना है, उसमें आप इन सारे नींबुओं को रख दीजिए और बस इसका आप ढक्कन बंद करके इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। आपके नींबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, महीनों तक के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका जो हमारा बहुत ही अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये देखिए, हमारे सारे नींबू स्टोर हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे मेथड के बारे में। तो तीसरे मेथड के लिए हमने यहाँ पर लिया है कंटेनर। कंटेनर में हम सारे नींबुओं को डाल देंगे। तो आप कांच का या प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे नींबुओं को इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से पानी। करीब आपको इतना पानी डालना है कि पानी जो है ऊपर तक आ जाए लगभग। तो करीब इसमें 2 ग्लास से 2.5 ग्लास के करीब पानी चला जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। इसकी वजह से आपके नींबू बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। तो आप ये आसानी से 3 से 4 महीने तक के लिए नींबू को स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, इसका ढक्कन बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए, आपके नींबू बिल्कुल सुरक्षित हो चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले तरीके के बारे में। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके यहाँ जितने भी एक्स्ट्रा के नींबू हों या जिनका छिलका ख़राब भी हो, वो भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नॉर्मली बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, आपको नींबुओं को काटना है और इसका जितना भी रस है इसको आपको निचोड़ लेना है। तो ये देखिए, आप हाथों की मदद से या फिर आप जो मशीन आती है उसकी मदद से भी आप नींबू का रस निकाल सकते हैं। तो मैं सभी नींबुओं का इस तरह से रस निकाल लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे नींबुओं को निचोड़ लिया है। अब हम इसको एक ग्लास में इसका रस छान लेते हैं ताकि बीज और रेसे अलग हो जाएं। तो अब ये रस है जो, इसमें भी 2 मेथड हैं आपको स्टोर करने के लिए। एक तो आप चाहें तो नॉर्मल कोई भी शीशी ले लीजिए, कांच की या प्लास्टिक की, जो भी आपके यहाँ पेप्सी की शीशी डली हो उसमें आप इस रस को भर दीजिए और आप इसको फ्रिज में रख करके 6-7 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं इस रस को। आप चाहे तो फ्रीजर में भी रख सकते हैं। अगर आप फ्रीजर में रखते हैं तो थोड़ा कम सीसी भरें, थोड़ा खाली रहने दीजिए। तो इस तरह से आप इस रस को स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको आसानी से, जितनी भी ज़रूरत हो, 1 चम्मच 2 चम्मच शरबत बनाना हो या कुछ भी करना हो, आप इस रस का यूज करें। फिर से बॉटल को फ्रिज में रख दें। अब जो हमारा दूसरा तरीका है, उसके लिए आपको ये जो रस है, आपको आइस ट्रे लेनी है और इसमें रस को भर देना है। और जब ये आइस को आपको जमने के लिए रख देना है, जब ये आइस जम जाएंगी तो या तो आप इसको ट्रे में ही रखे रहने दें, या फिर आप एक जो जिप लॉक वाली पॉलीथिन आती है उसमें इन आइस को भर करके रख लीजिए। जब ज़रूरत हो सीधे आइस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो छिलके बचे थे इनको आप फेंकिएगा मत। मैं इन छिलकों से बहुत ही अच्छी 2 रेसिपी बनाकर आपको बताऊंगी। जल्दी ही मैं वीडियो इसका अपलोड करूंगी। तो आप हमेशा नींबू के छिलकों को स्टोर कर लिया करें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।